टोल तो नाके पर लगने वाले वाहनों की लंबी कतारें और वाहन चालकों के होने वाली असुविधा को देखते हुए सभी वाहनों पर फास्ट ट्रैक लगाने का नियम बनाया गया लेकिन आज फास्ट ट्रैक प्रणाली पर सवाल उठा है मौदा निवासी हेमराज वैद्य इनके पास एम एच दो छह एक नंबर की ब्रिजा गाड़ी है तेईस को ये वाहन उनके घर में ही खड़े था लेकिन उसी दिन रात ग्यारह बजे उन्हें मैसेज आया तालुका में पाटन सावंगी नाके से उनके खाते से नब्बे रुपए काटे गए हैं वैद्य ने इसकी शिकायत राजमार्ग प्राधिकरण से ऑनलाइन की है और इसकी जांच करने की मांग की है लेकिन इस घटना से फास्ट ट्रैक प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं बीसीएन न्यूज के लिए मौता से संजय गिर्डे की रिपोर्ट